करना चाहिए, बिकॉज दिस इज ओनली वन लाइफ. किसी के पीछे भागना नहीं चाहिए, अपनी जिंदगी जीनी चाहिए. तो मैं बिलीव करती, कोई कुछ भी कहे मेरे बारे में, आई रियली डोंट केयर. मैं एक आसमानी खुदा को मानती हूँ. लाखों दिलों पे राज करने वाली और अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा गम उठाने वाली राखी सावंत ने भी आज लाइव आकर अपने फैंस के साथ बहुत ही बड़ी बात शेयर कर दी. वेलकम टू माय चैनल खुश वॉइस. राखी सावंत का ये भी कहना है कि आदिल खान दुरानी चाहे मुझ पर कितने ही इल्जाम लगा दे, लेकिन मैं कभी भी आदिल का बुरा नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैंने हमेशा आदिल खान से मोहब्बत ही की है. राखी सावंत का ये भी कहना था कि आदिल खान दुरानी से शादी करने के बाद मुझे हमेशा दुख और तकलीफें मिली है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आदिल खान दुरानी को माफ कर देना चाहती हूं. और राखी सावंत का ये भी कहना था कि आदिल खान दुरानी मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थे. आदिल खान दुरानी का इंतजार मैं अपनी आखिरी सांस तक करती हूं, क्योंकि आदिल खान दुरानी को भुलाना मेरे बस की बात नहीं. आगे क्या कहना था राखी सावंत का इस बारे में, मैं कंप्लीट वीडियो आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा. तो आइए कंप्लीट वीडियो देखिए. खुदा मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, खुदा मैं सबके लिए दुआ करती हूँ. खुदा यहाँ पे एक काव्या नाम की बंदी हंस रही है, ये नहीं जानती है कि ये दुआ कितनी इम्पोर्टेंट है. मैं राखी सावंत बॉलीवुड सेलिब्रिटी आकर भी इनके लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ दुआ का पावर क्या होता है. मैं जानती हूँ कि खुदा आपने मुझे कितना सेफ, सुरक्षित, अच्छी जिंदगी दी है. लेकिन वो नादान है, ये नादान है, ये मजाक में ले रहे, फिर भी मैं इन्हें माफ करती हूं. आप इन्हें माफ करें खुदा.